हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआरके ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर का चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी मैंने अपने वीडियो ट्यूटोरियल में मेंशन की है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको मैंने चैप्टर नेम बताया एयर एंड वाटर। एयर होती है हवा और वाटर होता है पानी। तो ये हर एक बंदे के लिए, हर एक जो भी एनिमल है, हर एक जो बर्ड्स है, हर एक जो ह्यूमन बींग्स है, सबको नेसेसिटी होती है वाटर की। ठीक है, तो हमें एयर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। किस लिए? जीने के लिए पड़ती है, राइट? तो एयर किसके लिए हम यूज करते हैं? जैसे हमने ब्रीथिंग लेनी हो, सांस लेनी हो, तो एयर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अदरवाइज अगर एयर नहीं होगी तो हम तो मर जाएंगे। ब्रीथिंग कहाँ से आएगी हमारे को, सांस कहाँ से आएगी हमारे को? ठीक है, और पानी हमें पीने के लिए चाहिए होता है। पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तब भी हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी की सारी एयर और वाटर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सारी चीजें हमें मैंडेटरी चाहिए लाइफ, हमारे लाइफ स्टाइल में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो एयर होता है वो जैसे कि हमारी सराउंडिंग है, हमारा ये एनवायरमेंट है, इसमें सारे में एयर होती है। मतलब हर एक तरह की गैसेस होती है हमारे सराउंडिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी अर्थ ग्रेविटी है, वो हर एक तरह की लेयर होती है अर्थ में, उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, यही चीजें इसमें बताई गई है। डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती है, जैसे कि आ, आ, जैसे आपको बोल दिया जाए क्लीन एयर कौन कौन सी होती है, तो आप बोल सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे अदर गैसेस होती है जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, ये सारी हमारी गैसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है एयर में। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है हमारी एयर में, यहाँ पे देख सकते हो। ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, अदर गैसेस हमारी 1% होती है, नाइट्रोजन हमारी 78% होती है। अब ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए। जो जिनको जिनमें जान होती है उन्हें लिविंग थिंग्स बोला जाता है, जिनमें जान नहीं होती है उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है। लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी होती है हमारे पास ऑक्सीजन। जब जैसे फायर कभी भी जलती नहीं है, आग कभी भी नहीं जलती है बिना ऑक्सीजन के। तो जब भी आप आग जलाओगे तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस की नीड पड़ेगी। ऐसे ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी जो आग होगी वो नहीं जलेगी। और ऑक्सीजन के देखो कितने यूजेस है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होती है, जैसे आपने ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं हम ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम ब्रीथिंग कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो ऑक्सीजन की नीड ऑल ह्यूमंस बींग को पड़ती है। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ऑक्सीजन और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और उनको जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसको कि हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ठीक है, अदर गैसेस में आता है आपके पास आर्गन इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। एक आर्गन होती है हमारे पास, एक कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है और ना ही इसका कोई ऑर्डर होता है। और इसको हम जैसे लाइट बल्ब होते हैं हमारे पास घरों में लगाए होते हैं हमने लाइट बल्ब, जैसे कि फ्लोरोसेंट की ट्यूब होती है हमारे पास, फ्लोरोसेंट ट्यूब देखी होगी आपने, तो वहां पे इस आर्गन गैस का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आपको पता ही है ग्रीन प्लांट्स करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है। और जैसे वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, ये अदर गैसेस है जो प्रेजेंट होती है हमारे एयर में। और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया 78% होती है, इसकी परसेंटेज पूछ लेते हैं कई बार, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है एयर में? 21% नाइट्रोजन की, 78% और 1% अदर गैसेस होती है। अब नाइट्रोजन हमारी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, इट्स प्रेजेंस इन द एयर कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इसकी प्रेजेंस हमेशा बर्निंग को कंट्रोल में रखती है, मतलब हमारी आग नहीं लग सकती ज्यादा। ठीक है, मतलब कंट्रोल में रख के प्रॉपर वे में
सुकेंस में पैटर्न में उसको रखती है, बिना ऑक्सीजन, बिना सॉरी बिना नाइट्रोजन के। जो आप अगर जो छोटा सा छोटी सी आग भी जलाते हो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, ठीक है। अब आपको इससे समझ आ गया होगा, देखो जब हमें आग जलानी है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जब हमने छोटी सी भी थोड़ी सी भी आग जलानी है तो बिना नाइट्रोजन के हम आग नहीं जला सकते, क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा फायर, ठीक है, आग। तो दोनों ही जरूरी है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, ठीक है। अब अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हेल्प के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है, वातावरण होता है हमारा, ठीक है। एयर फॉर्म करती है एक लेयर अर्थ के ऊपर, ठीक है, एयर ही बनाती है एटमोस्फेयर को, ठीक है। एयर क्या कर देती है, एक लेयर को फॉर्म करती है अर्थ के अराउंड, उस लेयर को बोला जाता है अर्थ एटमोस्फेयर। वही मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा एटमोस्फेयर होता है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये सभी को आना चाहिए कि व्हाट इज एटमोस्फेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमोस्फेयरिक लेवल लेयर्स, ठीक है, लेवल्स, लेयर्स जो भी पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी लेयर होती है, हमेशा याद रखना, जब भी एटमोस्फेयर की लेयर्स को डिफाइन करते हैं तब हम उसको बॉटम टू टॉप लेते हैं, ठीक है। पहले आती है हमारे पास ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मेसोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर, फिर आती है हमारे पास एक्सोस्फियर, ठीक है। अब एटमोस्फेयर क्या करता है, एटमोस्फेयर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो एयर होती है वो फोम करती है लेयर अराउंड द अर्थ, उसको अर्थ एटमोस्फेयर बोला जाता है। तो एटमोस्फेयर का ये भी काम होता है कि ये राइट टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है हमारे अर्थ के ऊपर सभी लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। ओजोन क्या करती है, हमारे पास एक लेयर फॉर्म करती है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो कि हमें हार्मफुल रेज होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आती है उससे हमें क्या कर रखती है, प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है, सुरक्षा देती है हमारे को, ठीक है। और एटमोस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे मेटेराइट्स सुने होंगे ना आपने, तो मेटेराइट्स आते हैं जो स्मॉल रॉक्स होती है, छोटी छोटी रॉक्स होती है हमारे पास जो कि स्पेस के ऊपर मूव करती है, वो हमें हार्म कर सकती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर का काम है वो हमें बचाता है। अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हिट हो जाती है तो वो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो अर्थ है उस पे जो सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स है वो मतलब उसमें बंजर भूमि में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए एटमॉस्फेयर एक मेंटेन बना के रखता है टेम्परेचर को भी, और मेटेराइट्स हमारे ऊपर ही हो जाते हैं बर्न अप, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ही इसमें बर्न अप हो जाते हैं जब तक वो पृथ्वी की सतह के ऊपर तक नीचे तक पहुंचते हैं, उससे पहले ही वो एटमॉस्फेयर में मेटेराइट्स जल जाते हैं, तो इसलिए हानि नहीं होती। अगर वो नीचे आ जाए, नीचे गिर जाए, तब तो आप लगा ही लो कुछ भी नहीं बचेगा, कोई लिविंग थिंग्स नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से सेटअप हुआ होता है हमारा, इस तरह से सेटअप बना है, जो एटमोस्फेयर है वो हेल्प कर देता है हमारी, ऊपर ही जो मेटेराइट्स वगैरह होते हैं, रॉक्स होती है स्मॉल रॉक्स, ऊपर ही बर्न अप हो जाती है, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट है एटमोस्फेयर, इधर देखो आपको लेवल्स बताए हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं, देख लो, ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, और मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ये याद रखना है ना। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो सन से उससे स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर, ठीक है। और मेटेराइट तो पता ही है आपको, ठीक है, मेटेराइड्स होती है स्मॉल रॉक्स होती है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर होता है उन्हें ऊपर ही रोक देता है, ऊपर ही वो बर्न हो जाती है। अगर वो पृथ्वी के ऊपर गिरे तो सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बॉटम टू टॉप होता है हमारे पास लेयर्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एयर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो होती है। अगर हम बलून को लेते हैं और उसको फुलाते हैं, मतलब उसको में हवा भर देते हैं, फिर हमें क्या लगेगा, उसका साइज इंक्रीज, और अगर साइज इंक्रीज होगा तो वो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एयर की, ठीक है। एयर में एयर का वेट होता है, आपने नोटिस नहीं किया होगा कि एयर का वेट होता है, क्योंकि वो हमारे सराउंडिंग में फैली होती है,
और अगर आप बलून को फिल करते हो पानी के साथ तो हमें वेटलेस सा लगता है जब हम उसको वाटर टैंक के अंदर इमर्स कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बलून को अब एयर से फिल्ड करोगे तो हमें क्या होता है, वेटलेस सा महसूस होता है। बट एक्चुअल में जो वेट होता है उसका बलून का एयर का, बट हमें एक्चुअली सराउंडिंग में फैला होता है वो वेट, इसलिए हमें वेटलेस महसूस होता है एक्चुअल में। तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं कि वेटलेस होता है। वेट ऑफ एयर पुशेस ऑन एवरीथिंग अराउंड इट, जो जैसे कि आप देख सकते हो जो भी हमारा एयर का वेट होता है वो सारी जगह पे मतलब फैला होता है सारी डायरेक्शन के ऊपर, तो हम उसे एयर प्रेशर भी बोल देते हैं। एयर प्रेशर होता है हमारा जैसे डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम यूज कर देते हैं, जैसे आपने साइकिल में हवा भरनी हो तो आप उससे उसकी हेल्प से भर देते हो। ठीक है, पंप की हेल्प से भर देते हो, तो वो एयर प्रेशर का ही एग्जांपल है। ट्राई ओपनिंग अ जूस कैन, अब जैसे कि आप जूस की बोतल है आप उसके ओपन करना चाहते हो उस जूस को, तो एक साइड से तो जूस होता है वो फ्लो आउट कर देता है धीरे धीरे एक साइड को, तो जब आप उसको कट करोगे अदर स्लीट होता है उसकी अदर साइड होती है उसको, तो जूस धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि जो एयर एंटर करती है सेकंड स्लीट में, तो जो एयर पुश होती है जूस से कैन के अंदर उसकी वजह से, मतलब इन द सेंस आप लगा लो कि सारी का सारा चक्कर ही एयर प्रेशर का है। जहां को एयर प्रेशर पुश होगा वहां से हमारा क्या होगा, फ्लो आउट करना जूस रैपिडली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है ग्रीन कॉर्नर बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो नॉर्मली क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेशन और जैसे जेट प्लेन्स होते हैं आपके, वो डिप्लीट कर देते हैं वो ओजोन लेयर को कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक वो डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, फ्रिज में कर सकते, फ्रिज में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, और जेट प्लेन्स में, ठीक है, ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं कुछ हद तक, तो थोड़ा कम यूज करना चाहिए इन चीजों का। ओजोन लेयर होती है प्रोटेक्ट करती है अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका काम ही यही होता है ओजोन लेयर का, ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से जो कि सन से आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ सच गैसेस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फॉर फर्दर डिप्लीशंस। तो इसमें बताया गया है कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर फर्दर डिप्लीशंस के लिए, मतलब फर्दर डिप्लीट नहीं होना चाहिए वो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे, अपनी अपनी ड्यूटी समझे, कम पोल्यूशन फैलाए और कम गैसेस का, हार्मफुल गैसेस का यूज करें, इंडस्ट्री में हार्मफुल केमिकल का कम यूज करें, जिससे कि हमें ये नौबत ना आए कि एक हद तक हमें ओजोन लेयर भी ना बचा सके। ठीक है, तो हमें इन चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे हमारे पास वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर पानी होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, वेल से मिलता है। ठीक है, रिवर पता है आपको, नदियाँ, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, वेल्स, कुएं। ठीक है, और जैसे कि कोई सब्सटेंस हो गया, सैंड हो गया, डर्ट होगी, मड होगी, जर्म्स हमारे पानी को गंदा बना देती है पीने के लिए, तो हम इन चीजों को क्या बोल देते हैं, इम्पुटीज। जैसे कि आप पानी पीते हो, पानी लेते हो आप रिवर से, पॉन्ड से, और जो आपके पास सब्सटेंस होते हैं जैसे डर्ट हो गया, मड हो गया, जर्म्स हो गया, ये इम्पुटीज होती है हमारे पानी में जो कि हमारे को अनहेल्दी करती है, जो कि अनहेल्दी होता है हमें वो पानी पीना, अच्छा नहीं, सुटेबल होता हमारी हेल्थ के लिए। तो इम्पुटीज टू टाइप्स की होती है। अब इम्पुटीज की बात आ रही है, तो इम्पुटीज टू टाइप की बात वो होती है, सोल्युबल इम्पुटीज होती है और इनसोल्युबल इम्पुटीज होती है। सोल्युबल इम्पुटीज वो इम्पुटीज होती है जो पानी में डिजोल्व हो जाती है, जैसे कि आप सॉल्ट ले लो,
लो, शुगर ले लो, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज वो इम्पुरिटीज होती है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, जैसे कि सैंड हो गया, मड हो गया, मिट्टी नहीं होती डिजोल्व, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, हम इन रिमूव कर सकते हैं इन इम्पुरिटीज को वाटर में से दो तरीके से। ठीक है, एक होता है हमारे पास इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करके, दूसरा होता है सॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करके। ठीक है, सबको हम एक बाय वन रीड करते हैं। रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज, आप इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज जैसे कि सैंड है, मैंने ऑलरेडी बताया इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज का एग्जाम्पल हो गया, सैंड हो गया, मड हो गया, तो उनको वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, उनको हम क्या नहीं कर सकते, उनको हम मतलब डिजोल्व नहीं होती वाटर में। ठीक है, तो उनको डिजोल्व करने के उनकी इम्पुरिटीज को रिमूव करने के लिए हम दो प्रोसेसेस का यूज करते हैं, एक फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं और एक सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन होती है हमारे पास, इस मेथड में हम इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज होती है हमारे पास, इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इम्प्योर वाटर को पास करते हैं फिल्टर पेपर से। जैसे कि मान लो मैंने एक फिल्टर पेपर फ्लास्क ली, उसमें फिल्टर पेपर सेट किया, उसके अंदर से मैंने क्या किया, जो हमारे पास सैंड और वाटर का जो मिक्सचर था उसको फिल्ट्रेशन का जो पेपर था उसके अंदर डाल दिया, मतलब छन लिया, तो जो हमारे पास अब हम करेंगे रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। अब इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज मैंने आपको बताया सैंड हमारी इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज है, तो हमने अगर इसको रिमूव करना होगा तो हम दो मेथड से करते हैं, एक फिल्ट्रेशन मेथड से, एक सेडिमेंटेशन मेथड से। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, इस मेथड में हम इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करने के लिए इम्प्योर वाटर वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू रिमूव करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर ले लेते हैं सैंड और वाटर का, जिसको कि हम अलग कर देते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड से। जैसे कि एक सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर लिया मैंने, उसको मैंने फोल्ड कर दिया दो तरीके ट्वाइस ट्वाइस, और फिर उसका कोन बना दिया एक मैंने उसका। ठीक है, फिर उसके बाद जो कोन है उसको मैंने फनल के अंदर रख दिया। ठीक है, और फ्लास्को को मैंने वो फनल के नीचे रख दिया। ठीक है, और मिक्सचर को मैंने पोर कर दिया फ्लास्क के अंदर, फिर थ्रू द फनल, फनल बनाई ना मैंने उसकी, जो मेरा फिल्टर पेपर था उसकी फनल बनाई मैंने। फिर सैंड मेरा क्या किया, जो सैंड था मेरा वो रिटेन हो गया मतलब फिल्टर के पेपर के ऊपर, और जो क्लीन वाटर था वो फ्लास्क के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है मेरा। इस तरह से हम इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज होती है सैंड की, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है अब यहाँ पे देख सकते हो आप, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज जैसे सैंड था हमारा, उसको हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मेथड से कैसे रिमूव किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीन वाटर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया सारा का सारा, कि सबसे पहले आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन मेथड से आपने फिल्टर पेपर को ट्वाइस फोल्ड करके आपने उसकी कोन शेप बना दी, और उसको आपने उसकी फनल बना के आपने उसके नीचे जो फ्लास्क थी उसको अंदर रख दिया। फिर आपने उसके अंदर, यहाँ पे आप डाइग्राम में देख ही सकते हो, जैसे कि आपने इस फनल से पानी जो भी आप रिमूव्ड इम्पुरिटीज थी आपके, इसके अंदर इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज थी वो सारी की सारी आपने इसके अंदर से पास कर दी, और जो भी आपके पास नीचे जो पानी दिख रहा है यहाँ पे क्लीन वाटर आ गया, और सैंड आपका जो आपकी फनल थी फिल्टर पेपर था उसके ऊपर सारा का सारा सेट हो गया, और इस तरह से आपने इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को। अब आता है हमारे पास रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। टू पार्ट्स होते हैं इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करने के लिए, एक सेडिमेंटेशन होता है, एक डिकेंटेशन होता है।
अब हमारे पास देख सकते हो आप रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। अब हम पहले सेडिमेंटेशन मेथड से करेंगे, फिर डिकेंटेशन मेथड से करेंगे। अब टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करने के लिए। सेडिमेंटेशन फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। इसमें जो इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज होती है, जैसे मड और वाटर है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं बिकर में, मतलब उन्हें सीधा ही रख देते हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना हमने बिकर में, उसको सिंपल रख देना एज इट इज, जैसे है वो वैसे ही रहने देना। कुछ समय बाद हम देखते हैं उसमें जो मड होती है हमारी, वो नीचे बॉटम में बैठ जाती है, ठीक है। जो हमारा बॉटम ऑफ कंटेनर होता है उसमें जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन बोला जाता है। जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसमें स्पेशल केमिकल ऐड कर देते हैं, जैसे एलम है हमारे पास। एलम क्या है, एक प्रोसेस है, इसको लोडिंग बोला जाता है। जो लोडिंग होता है वो है, यूज करते हैं हम डर्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। मड्डी वाटर होता है हमारे पास, उसमें जो डर्ट पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोडिंग का यूज करते हैं। एक तरह कि हमारी स्पेशल केमिकल होता है एलम, ठीक है, जिसको कि लोडिंग बोला जाता है। एलम भी बोला जाता है और लोडिंग भी बोला जाता है, मतलब एलम एक केमिकल है, जब उसको प्रोसेस करते हैं उसकी प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। और लोडिंग होता है जो जितने भी हमारे डर्ट पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट करता है मड्डी वाटर से। तो पता लग गया सेडिमेंटेशन बहुत ईजी है ये, इसमें सिंपल हमने डाल देना है जो भी इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज वाला वाटर है, थोड़ी देर बाद रख देना उसको, चुपचाप नीचे सेटल डाउन हो जाएगी मिट्टी हमारी। ये देखो यहाँ पे रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज। अब हमारे पास है डिकेंटेशन। मैंने ऑलरेडी आपको वन पार्ट बता दिया, सेडिमेंटेशन, अब डिकेंटेशन है। डिकेंटेशन क्लीन वाटर होता है उसको पोर कर देते हैं हम सेपरेट कंटेनर में, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। अब जैसे मैंने उसके ऊपर पहले सेडिमेंटेशन की प्रोसेस लगाई, अब दूसरी में डिकेंटेशन की लगाएगी। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ था, वो नीचे बैठ गए थे सारे के सारे सेडिमेंट्स मेरे। अब डिकेंटेशन की प्रोसेस में मैं जो ऊपर ऊपर क्लीन वाटर था उसको मैंने धीरे धीरे आराम से पोर कर देना है, और जो नीचे बचा उसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उन सेडिमेंट्स को आराम से क्लीन वाटर को पोर कर देना है सेपरेट कंटेनर में। उस प्रोसेस को बोल देते हैं डिकेंटेशन। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से क्लीन वाटर को पोर कर दिया, और जो बचा पानी उसको मैं फेंक दूंगी, जो भी इनसॉल्युबल इम्पुरिटीज बची उसको फेंक दूंगी। अब रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉरी अब नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग सॉल्युबल इम्पुरिटीज। टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास सॉल्युबल इम्पुरिटीज को रिमूव करने के लिए। पहला होता है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन में आता है हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता है सॉल्युबल इम्पुरिटीज को, जैसे कॉमन साल्ट और शुगर को हम हीट करते हैं तो कुछ टाइम बाद जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है स्टीम में, और हमारे पास इम्पुरिटीज क्या रह जाती है, रह जाती है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है। अब रिमूविंग इन सॉल्युबल इम्पुरिटीज, अब देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, इन द सॉल्यूशन इज हीटेड, सॉल्यूशन को हीट किया, अब इसमें क्या रहा नीचे, देखो इम्पुरिटीज रहेगी नीचे, तो ये देख सकते हो आप, एक इवेपोरेशन की प्रोसेस को बताया गया है इसमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही सॉल्युबल इम्पुरिटीज के, मैंने बोला आपको टू पार्ट्स होते हैं, तो जैसे डिस्टिलेशन है, अब डिस्टिलेशन में जो वाटर कलेक्ट होता है उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। डिस्टिल्ड वाटर हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, ये कोई भी इम्पुरिटीज और जर्म्स को होल्ड नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि कार बैटरीज होती है, इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होती है, वहां पे हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में यूज करते हैं हम एक्सपेरिमेंट को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो ये जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है ये फ्री फ्रॉम एनी जर्म्स होता है इसलिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इम्प्योर वाटर इज टेकन। अब इम्प्योर वाटर को हमने किस में लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क, और हीट कर रहे हैं हम उसको, कूलिंग वाटर आउट कंडेंसर और कूलिंग वाटर इन, और ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम्स में होगा ना वाटर चेंज, और इम्पुरिटीज कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी, ये देखो नीचे रह जाएगी, और फिर उसके बाद स्टीम क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी कंडेंसर में,
फिर ये कूल होगी और टर्न हो जाएगी, टर्न्स इनटू वाटर में, ठीक है। इस तरह से हम प्योर वाटर को कलेक्ट कर देते हैं फ्लास्क से, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्या होता है, ये भी एक सॉल्युबल इम्पुरिटीज की को ही रिमूव करने के लिए यूज कर देते हैं हम। क्लोरीनेशन एक मेथड होता है हमारे पास वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। इसमें हम ऐड करते हैं एक सब्सटेंस, उसको क्लोरीन बोला जाता है। जो क्लोरीन टेबलेट होती है वो सारे इजिली अवेलेबल होती है। आप किसी केमिस्ट की शॉप पे चले जाओ, वहां से बोलोगे क्लोरीन की टेबलेट्स चाहिए तो वो मिल जाती है। तो उस जो क्लोरीन की टेबलेट्स होती है वो वाटर के अंदर डालते हैं हम, इसलिए क्योंकि उससे जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वाटर प्योर हो जाता है, मतलब वाटर जर्म फ्री हो जाता है और हम उसको इजिली पी सकते हैं। इसी प्रोसेस को, प्यूरिफाई प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोला जाता है। और जैसे आपने वाटर टैंक्स देखे हैं, बड़े बड़े सप्लाई आती है हर एक सिटीज में, हर एक विलेजेस में वाटर सप्लाई, तो वो सारी की सारी आती है हमारे, क्योंकि उस अगर वो गंदा होगा पानी तो बहुत सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, सारे बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो भी वाटर टैंकर होते हैं, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं वहां पे, वो सारे क्या करते हैं, उस टैंक के अंदर क्लोरी की टैबलेट्स डाल देते हैं या क्लोरीन पाउडर होता है उसको डाल देते हैं, जिससे कि सारे के सारे जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और उसके बाद वो पानी पीने के लायक बन जाता है। इसी को क्लोरीनेशन प्रोसेस बोला जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।